ओ नीरज नैना आ जरा तेरी पलकों में सपने रोल दूं तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं तेरे होठों में अमृत घोल दूं जाने मन तू है कहां ओ मेरी शर्मिली। इटावा में जन्मे और अलीगढ़ में रह रहे हिंदी कविता के मूर्धन्य हस्ताक्षर गोपालदास नीरज अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के साथ साथ एक खास किस्म की अदायगी के कारण विगत 5 दशकों से एक किंवदंती के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनके नाम के साथ अनेक सच्चे झूठे किस्से एवं कहानियां बरबस जुड़ गई हैं। मगर सच तो ये है कि भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी नीरज ने गीत को लोकप्रिय बनाने का सराहनीय प्रयास किया है। अखबार की कतरन की तरह 1992 में पद्मश्री से सम्मानित नीरज आज 71 साल की उम्र में भी कविता की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं और गहरा असर छोड़ते हैं। नीरज जी, गीत का हिंदी कविता में वही स्थान है जो उर्दू कविता में गजल का है, और बच्चन जी ने जिस मुकाम पर गीत को छोड़ा उसे आपने और आगे बढ़ाकर बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जहां तक लोकप्रियता का सवाल है। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, कृपया हमें ये बताएं। ये संभव तभी हो सकता है जबकि कोई रचनाकार अपनी रचना के प्रति पूरी तरह से तन मन आत्मा से समर्पित हो जाए, और मैं तो ये मानता हूँ अगर पूरा समर्पण है किसी भी कला के प्रति तो उस कला को अवश्य स्वीकारा जाएगा, संसार के द्वारा अवश्य सराहा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी लोकप्रियता का कारण यही है। दूसरा कारण ये भी रहा कि भाषा, छंद और विचार और भाव, ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं समाज तक पहुँचने के लिए। सबसे बड़ा साधन होता भाषा, कम्युनिकेशन का साधन, हमारे बीच में माध्यम का साधन, बातचीत का साधन जो है भाषा ही होती है। मैंने उस भाषा को जन्म दिया जो कि जनमानस से सीधी जाकर के टकराती थी, जो जनमानस के हृदय को छूती थी, और साथ ही साथ ऐसी अनुभूतियों को प्रकट किया जो कि एक सामान्य मनुष्य की अनुभूतियाँ होती हैं। मैंने अपना कभी असाधारण नहीं माना, एक साधारण मनुष्य की तरह सोचा, साधारण मनुष्य की तरह सुख दुख पीड़ा उत्थान पतन राग वैराग सबको भोगा, और जन सामान्य की भाषा में उसको व्यक्त किया, इसलिए जन सामान्य को पसंद आया, इसलिए मैं अब तक लोकप्रिय बना हुआ। नीरज जी, कुछ लोगों का यह विचार है कि जो आपका अंदाजे बयां है लिखने का भी और पढ़ने का भी, इसका भी बड़ा हाथ रहा है लोकप्रियता के। वो तो है, इस मंच पर जब आप जाते हैं समाज के सामने रूबरू होकर काव्य पाठ करते हैं तो उसके लिए भाषा के साथ साथ आपके पास वाणी भी, वाणी में माधुर्य भी होना चाहिए जी। और ईश्वर कृपा कहो या भाग की वो कहिए कि मेरे पास वाणी भी सुंदर थी, भाषा भी सुंदर थी, और अनुभूतियाँ भी वो थी जो हर सामान अनवर ये करता था कि मेरी बात ही कही जा रही है। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू
तेरी पलकों से उठाया जाए, अब तो मजहब कोई। और आखिरी पंक्तियां हैं, गीत तो गुमसुम है, गजल चुप है, रोबाई के दुखी। अब सांप्रदायिकता खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, उसको कह रहा हूँ, गीत तो गुमसुम है, गजल चुप है, रोबाई के दुखी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई के दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। ये जो रचना प्रक्रिया है जिसको क्रिएटिव प्रोसेस हम कहते हैं, इस बारे में आप? ये बड़ा कठिन विषय आपने मुझसे पूछा है, लेकिन क्या होता है, जो भोगता है व्यक्ति, वो भोगा हुआ यथार्थ या पीड़ा या दुख या आनंद सब उसके उपचेतन में विद्यमान रहता, समाप्त नहीं होता। वही काव्य का क्षण भी एक स्वप्न का क्षण है। उस कविता के सृजन के क्षण में जो स्वप्नावस्था जैसे मैं कहता हूँ, उसमें वही भोगा हुआ यथार्थ जो सबकॉन्शियस में मनुष्य के है, उपचेतन में है, वही प्रतीकों के रूप में नए रूप से व्यक्त होता है। और ये भी मेरी मानता है, जितना बड़ा दुख का बोझ मन पर होगा उतनी बड़ी कविता हो। मेरा बचपन 26 वर्ष की उम्र तक बड़ा ही कष्टमय, बड़ा ही पीड़ाजनक रहा, तो दुख का जो बोझ मेरे मन पर था, वही दुख की तरह, दुख तरह तरह से मेरी रचना के माध्यम से व्यक्त हुआ है। दूसरी चीज़ ये मानता हूँ, जब व्यक्त होता है तो उस समय एक सबकॉन्शियस प्रोसेस कवि के मन में चलता है, क्योंकि कवि को शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए और छंद का भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सी अनुभूति किस छंद में आएगी। ये एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। हम जब लिखते हैं तो ये कभी जानते नहीं कि हमें किस छंद में लिखना है या कौन सी कविता लिखनी है, लेकिन अपने आप जो विचार या अनुभूति आती है, अपने को प्रकट करना चाहती है, वो हमेशा छंद में ही आती है। कवि में और गद्यकार में अंतर विशेष ये है कि कवि के दिमाग में कोई भी विचार छंद में आता है और गद्यकार के दिमाग में वही विचार सेंटेंसेस में आता है। और दूसरी चीज़ क्या है, अब भाषा क्या है, भाषा तो माध्यम, कवि के द्वार पर भाव आए हुए मेहमान के समान है और भाषा उस मेहमान के स्वागत का आयोजन है। नीरज जी, बहुत से गीत आपने लिखे और सभी अच्छे हैं, अब मैं किन किन की चर्चा करूं, विशेष रूप से मैं दो गीतों के लिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा। एक तो वो कि तुम रूठे तो बात न कोई, वो गीत पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप कह रहे हैं तो शायद मुझे याद आ जाए, तो दो चार पंक्तियाँ उसकी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम रूठो जग रूठे तो बात न कोई, जग रूठे तो बात न कोई, तुम रूठे तो प्यार न होगा, जग रूठे तो बात न कोई, तुम रूठे तो प्यार न होगा। मणियों में तुम ही तो कौस्तुभ, मणियों में तुम ही तो कौस्तुभ, तारों में तुम ही तो चंदा, नदियों में तुम ही तो गंगा, गंधों में तुम ही निशगंधा। मणियों में तुम ही तो कौस्तुभ, तारों में तुम ही तो चंदा, नदियों में तुम ही तो गंगा, गंधों में तुम ही निशगंधा। तुम दीपक में जैसे बाती, तुम प्राणों के संग संघाती, जग रूठे तो बात न कोई, तुम रूठे भव पार न होगा, जग रूठे तो बात न कोई, तुम रूठे तो प्यार न होगा। तो कृष्ण के नाम से अनेक लीलाएं हैं,
चीरहरण लीला, गोचारण लीला, ये माखन चूरी लीला के गीत है। इसमें है क्या, प्रतीक में है कि मक्खन ये प्राण तत्व, ये रस तत्व है और ये गागर शरीर है और ग्वालिनी हम आत्मा हैं जो कि कृष्ण के वृंदावन में ये माखन बेचने निकली हैं। न जाने कब मरू थी तू प्यार न होगा, तो कृष्ण के नाम से अनेक लीला हैं, चीरहरण लीला, गोचारण लीला, ये माखन चूरी लीला के गीत है। इसमें है क्या, प्रतीक में है कि मक्खन ये प्राण तत्व, ये रस तत्व है और ये गागर शरीर है और ग्वालिनी हम आत्मा हैं जो कि कृष्ण के वृंदावन में ये माखन बेचने निकली हैं। न जाने कब कृष्ण के हाथ के कंकड़ी काल बन के आती है, माखन छीन के ले जाती है। तो वैष्णव दर्शन की विशेषता है कि मृत्यु जैसी चीज को कृष्ण के हाथ की छोटी सी कंकड़ी बना दी है। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बताओ अब रीति गागर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने जुग जुग चली काल की मथनी, तब झल की दधि में चिकन आई, पड़ पड़ छाली गई हाथ जब तब जाकर मटकी भर पाई, एक कंकड़ी तेरे कर की किंतु न जाने आ किस दिश से, पलक मूंद ते लूट ले गई जन्म जन्म की सकल कमाई, पर है कुछ न शिकायत तुझसे केवल इतना ही बतला दे, मोती सब चुग गया हंस तब मान सरोवर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता अब रीति गागर का क्या हो। नीरज जी, एक बड़ा भ्रम बना हुआ है, थोड़ी गलत फहमी भी उसको कह सकते हैं, कि हम हिंदी में खास करके हर चार लाइन की कविता मुक्त की हो या जो भी कुछ हो, कथा और रुबाई में फ़र्क नहीं जानते। वो तो है, एक बात यह है कि कथा और रुबाई अलग अलग विधा है, हालांकि चार चार पंक्तियों की कविता दोनों हैं, लेकिन दोनों की मीटर्स, दोनों के छंद अलग है जी। अब रुबाई का मीटर तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इस तरह चलता है जी, और कथा चार पंक्तियों में कोई कविता हो सकती है जी। अब रुबाई का ये कर्ज रो रो के भरा उम्र की सब किस्तों का, कर्ज रो रो के भरा उम्र की सब किस्तों का, और सम्मान किया वक्त के सब रिश्तों का, फिर भी कुछ मुझ में कमी है तो न गाली दो मुझे, आदमी टूटा हुआ ख्वाब है फरिश्तों का। ये तो रुबाई का छंद है। अब कथा का छंद, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डब गई, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। नीरज जी, पहले आप गीत पढ़ने के पहले हमेशा एक आध रुबाई पहले पढ़ा करते थे, तो इसका कोई खास कारण था? कारण ये था कि चार पंक्तियां जनता आसानी से सुन सकती है जी, और सुना करके हम ये पता लगा लेंगे कि जनता किस मनस्थिति में है, किस स्तर की जनता है, सुन सकेगी कि नहीं सुनेगी, आगे कोई गंभीर कविता। तो पहले रुबाई या मुक्तक पढ़ करके हम ये देख लेते, जनता की पहचान कर लेते थे कि जनता सचमुच हमारी कविता जिसे ऊंची पढ़ने जा रहे हैं उच्च स्तरीय कविता समझने की योग्य है कि नहीं, उसी अनुसार हम अपना काव्य पाठ करते थे।
ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के भी करने को खिल। नीरज जी, आपने फिल्मों में भी बहुत लिखा, फिर आप वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए चले आए कि जब हम लिख रहे थे, हम बहुत ही लोकप्रिय हमारे गीत हुए। पहली हमारी पिक्चर थी नई उम्र की नई फसल, उसके सारे गीत लोकप्रिय हुए। तब लोगों ने हमको बुलाया, तो सबसे पहले हमको देवानंद ने बुलाया प्रेम पुजारी के गीत लिखने के लिए। फिर उसके बाद राज कपूर ने हमको बुलाया, लेकिन हम छुट्टी लेके जाते थे अपने कॉलेज से। लेकिन क्या देखा कि बड़ी बड़ी जो पिक्चर्स में जो हमने गीत लिखे थे, वो गीत तो बहुत हिट हुए, लेकिन वो पिक्चर्स फ्लॉप हो गए। तो जब भी कोई पिक्चर फ्लॉप होती है तो बड़ा सेटबैक लगता है, सबको ही लगता है। उसमें मेरा नाम जोकर, जिसके गीत हमारे ये भाई जरा दिख के चलो गली गली गाया, वो जब पिक्चर फ्लॉप हुई तो सेटबैक लगा। प्रेम पुजारी गीत सब लोकप्रिय हुए, वो सेटबैक लगा। और उधर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे शंकर जयकिशन, जयकिशन की डेथ हो गई। इधर SD वर्मा बीमार रहने लगे, इन लोगों के साथ हम काम करते हैं विशेष रूप से। रोशन की डेथ हो गई, जिन्होंने पहले हमारी नई उम्र नई फसल गीत उन्होंने हिट किए थे। तो फिर मैं सोचा कि ईश्वर की मर्जी नहीं है। नीरज जी, कारवां गुजर गया भी अपने समय का, और फिल्म के माध्यम से भी इतना लोकप्रिय गीत रहा। ये कारवां गुजर गया मैंने शायद 1955 में लिखी थी, और पहली बार मैंने लखनऊ रेडियो से इसको पढ़ा। लखनऊ रेडियो पढ़ने का फल यह हुआ कि सारे देश में ही रचना गुनगुनाई जाने लगी, और आज तक लोग याद करते हैं, बल्कि मेरी सिग्नेचर फोन बन के रह गई है। उसका कारण ये था कि इसमें एक तो जो फ्रिजोलॉजी है, जो मैंने भाषा दी है, इसमें एक नई प्रकार की भाषा जो कि हिंदी उर्दू सबकी समझ में आती है, और इसमें बिंब विधान है, और जीवन के विषाद का चित्रण है जी। और छंद भी इसका नया प्रकार का म्यूजिकल, बड़ा संगीतात्मक छंद है। स्वप्न जर्रे फूल मीत चुभे शूल से, स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे फूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, स्वप्न जर्रे फूल खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के भी करने को खिल। नीरज जी, आपने फिल्मों में भी बहुत लिखा, फिर आप वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए चले आए कि जब हम लिख रहे थे, हम बहुत ही लोकप्रिय हमारे गीत हुए। पहली हमारी पिक्चर थी नई उम्र की नई फसल, उसके सारे गीत लोकप्रिय हुए। तब लोगों ने हमको बुलाया, तो सबसे पहले हमको देवानंद ने बुलाया प्रेम पुजारी के गीत लिखने के लिए। फिर उसके बाद राज कपूर ने हमको बुलाया, लेकिन हम छुट्टी लेके जाते थे अपने कॉलेज से। लेकिन क्या देखा कि बड़ी बड़ी जो पिक्चर्स में जो हमने गीत लिखे थे, वो गीत तो बहुत हिट हुए, लेकिन वो पिक्चर्स फ्लॉप हो गए। तो जब भी कोई पिक्चर फ्लॉप होती है तो बड़ा सेटबैक लगता है, सबको ही लगता है। उसमें मेरा नाम जोकर, जिसके गीत हमारे ये भाई जरा दिख के चलो गली गली गाया, वो जब पिक्चर फ्लॉप हुई तो सेटबैक लगा। प्रेम पुजारी गीत सब लोकप्रिय हुए, वो सेटबैक लगा। और उधर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे शंकर जयकिशन, जयकिशन की डेथ हो गई। इधर SD वर्मा बीमार रहने लगे, इन लोगों के साथ हम काम करते हैं विशेष रूप से। रोशन की डेथ हो गई, जिन्होंने पहले हमारी नई उम्र नई फसल गीत उन्होंने हिट किए थे। तो फिर मैं सोचा कि ईश्वर की मर्जी नहीं है। नीरज जी, कारवां गुजर गया भी अपने समय का, और फिल्म के माध्यम से भी इतना लोकप्रिय गीत रहा। ये कारवां गुजर गया मैंने शायद 1955 में लिखी थी, और पहली बार मैंने लखनऊ रेडियो से इसको पढ़ा। लखनऊ रेडियो पढ़ने का फल यह हुआ कि सारे देश में ही रचना गुनगुनाई जाने लगी, और आज तक लोग याद करते हैं, बल्कि मेरी सिग्नेचर फोन बन के रह गई है। उसका कारण यह था कि इसमें एक तो जो फ्रिजोलॉजी है, जो मैंने भाषा दी है, इसमें एक नई प्रकार की भाषा जो कि हिंदी उर्दू सबकी समझ में आती है, और इसमें बिंब विधान है, और जीवन के विषाद का चित्रण है जी। और छंद भी इसका नया प्रकार का म्यूजिकल, बड़ा संगीतात्मक छंद है। स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से।
और हम खड़ी खड़ी बाहर देखती रही, कारवां गुजर गया गुबार देखती रही, स्वप्न झड़े फूल से नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गई कि शाख शाख जल गई, चाक तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चली छंद हो दफन चली, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चली, और गम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार दिखती रही, कारवां गुजर गया गुबार दिखती रही, चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। चांदनी था उसकी जगह, क्योंकि दिन में पिक्चराइज किया गया वो, इससे देवर ने कहा भाई चांदनी तो नहीं आ सकता, इसलिए शो क्यों करना पड़ा मुझे। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है वो प्यार है वो प्यार है। ये राज कपूर ने मुझसे जोकर पर लिखने की कहा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ा, क्योंकि जोकर के माध्यम हंसाना भी है और उसकी उसका सर्कस का दर्शन भी कहना, ये बड़ी विचित्र, और छंद हमारा बनाया हुआ था बिल्कुल ब्लैंक वर्स है। पहली बार इस गीत के माध्यम से फ्री वर्स लिब्रे फिल्म में आया। ए भाई जरा देख चलो, ए भाई जरा देख चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर की नहीं नीचे भी, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे